नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो किस दिन करें कौन सा काम ताकि हर काम में मिले आपको सफलता, आज इसी विषय पे हम करेंगे बातचीत कि दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, किस दिन नौकरी की शुरुआत करनी चाहिए, किस दिन यात्रा के लिए निकलना चाहिए, सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत है, तो सोमवार को प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय है, तो सोमवार को प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से या ऐसा करती हैं नियमित रूप से, तो आपके वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं कि क्या है 15 फरवरी का पंचांग। दिनांक 15 फरवरी 2022, दिन मंगलवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:42 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर के 1:49 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर के 3 से लगभग 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो भगवान का स्मरण यात्रा करने के लिए ही नहीं, हर चीज के लिए कीजिए। ये था 15 फरवरी मंगलवार का पंचांग। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। सोमवार को हमें कौन सा काम करना चाहिए और किस काम को करने से बचना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सोमवार का जो दिन है वो ज्योतिष में जोड़ा गया है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा का दिन है और तीव्र गति से, तेजी से परिणाम देता है, चीजों को बदल देता है। इसीलिए सोमवार के दिन वो काम करिए जिसको आप जल्दी निपटाना चाहते हो और जिस काम में आप स्पीड चाहते हो, गति चाहते हो। सोमवार के दिन नौकरी या कारोबार की शुरुआत सामान्यतः नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार बार परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा भी करना सोमवार को अच्छा नहीं होता। सोमवार के दिन जहां तक संभव हो काले वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए, सफेद रंग या लाइट शेड के कलर पहनना ज्यादा बेहतर होगा। पूर्व दिशा में ट्रैवल नहीं कीजिए, अपनी गति का ध्यान रखिए, तेजी से जो काम निपटाना चाहते हैं उसे सोमवार को जरूर कीजिए, और नौकरी की शुरुआत कभी नहीं कीजिए सोमवार को, क्योंकि बार बार बदलना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, देखिए खान पान का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस समय आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। वाद विवाद से बचाव करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो जरा सा गुड़ खा करके निकलिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है लगभग 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। वृषभ राशि, वाहन का सुख मिलता दिखाई दे रहा है, नौकरी में छोटे मोटे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, करियर में इस समय सुधार होता दिख रहा है, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। जाना 15 फरवरी मंगलवार का मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्य फल। अब पंडित जी से जानते हैं कि मंगलवार और बुधवार को कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार का जो दिन है वो मंगल ग्रह से संबंधित दिन माना जाता है, तेज स्वभाव का दिन है और मध्यम गति से एवरेज परिणाम देता है। इसका स्वभाव तीक्ष्ण होता है, मध्यम गति से रिजल्ट देता है। सामान्यतः मंगलवार के दिन शिक्षा की शुरुआत मत करिए, अच्छा नहीं होगा। और मंगलवार के दिन मुकदमेबाजी भी मत करिए, वो भी अच्छा नहीं होगा। मंगलवार के दिन नीले रंग का प्रयोग करना और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना भी शुभ नहीं होता। मंगलवार के दिन अगर आपने मान लिया सोमवार को विवाह किया है तो आप मंगलवार के दिन विदाई नहीं कर सकते विवाह के बाद। इसीलिए अगर मंगलवार की विदाई होती है तो लोग लड़की को भोर में ही, सूर्योदय के पहले ही विदा कर देते हैं। बात कर लेते हैं बुधवार की। बुधवार का प्रभाव क्या है, क्या करें क्या ना करें। बुधवार का जो दिन है ये बुध ग्रह का दिन है, बुध ग्रह से संबंध रखता है। सरल, मनोरंजक और धन के काम के लिए उत्तम मानते हैं बुधवार को। बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत मत करिए, क्योंकि ये दुविधा पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। कर्ज मत बांटिए, कर्ज चुकाने के लिए अच्छा है, बांटने के लिए नहीं। और भूमि संबंधी, जमीन संबंधी काम बुधवार के दिन मत करिएगा। उत्तर दिशा की यात्रा भी अगर आप बुधवार के दिन ना करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। तो बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है, लेकिन याद रखिए मंगलवार के दिन आपको जो मध्यम गति के काम है वो कर लेने चाहिए, जिनमें आप मध्यम गति प्राप्त करना चाहते हैं, और शिक्षा बिल्कुल शुरू नहीं करें उस दिन। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, किसी प्रियजन से, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए काम भी इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे और आपके करियर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना चाहिए, अपनी संतान का ख्याल बनाए रखें। भगवान को लाल फूल अगर आप अर्पित करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग इस समय आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आपके महत्वपूर्ण काम इस समय बन सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो जाना हमने 15 फरवरी का कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्य फल। अब चलिए पंडित जी से जानते हैं कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कौन सा काम करना चाहिए और किस काम को करने से बचना चाहिए। देखिए, अगर हम बृहस्पतिवार की बात करें तो परंपरा कहती है, मान्यता कहती है, देव गुरु का दिन है, बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा माना जाता है, पवित्र मानते हैं इस दिन को।
इस दिन सात्विकता बनाए रखना आवश्यक होता है। आपने ज्यादातर लोगों को सुना होगा कि मैं बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाता, क्योंकि ये पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। विवाह के बाद बृहस्पतिवार के दिन विदाई भी ठीक नहीं है, यानी मान लिया आपने बुधवार को शादी की तो आप बृहस्पतिवार को विदाई नहीं कर सकते, आपको सूर्योदय के पहले ही विदाई करनी पड़ेगी। अब शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार जो है ये शुक्र ग्रह का दिन है, स्वभाव से कोमल और आनंददायक माना जाता है। इस दिन पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, शुक्रवार के दिन पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता और इस दिन वैवाहिक विवाद करने से भी बचना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर पति पत्नी झगड़ा करें तो झगड़ा लंबा खिंच जाता है। शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ भी यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा की यात्रा शुक्रवार के दिन करना शुभ नहीं होता है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, काफी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है और इस समय ये व्यस्तता आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आपको करियर में लाभ जरूर होगा, करियर में लाभ की संभावना बन रही है। इस समय आप संपत्ति क्रय कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को गोपनीय रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रिश्तों में बेवजह के तनाव हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचे रहें तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। तो जाना हमने मंगलवार का तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। अब बात शनिवार और रविवार की करते हैं। इन दिनों में कौन सा काम करना चाहिए ये जानते हैं। अगर हम शनिवार की बात करें, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि शनिवार का दिन अशुभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिवार को भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहले ये जानिए कि शनि ग्रह से संबंधित है ये दिन। तेज स्वभाव का और धीमी गति का दिन माना जाता है। शनिवार के दिन जो काम आप करते हैं वो काम लंबे समय तक चलते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग नौकरी की ज्वाइनिंग शनिवार को करना चाहते हैं, ताकि नौकरी लंबे समय तक चल सके। शनिवार के दिन मुकदमा दायर मत करिए, चिकित्सा की यानी दवाइयां खाने की शुरुआत मत करिए और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा भी मत करिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन लोहा खरीदना और लोहा बेचना अच्छा नहीं होता। रविवार, रविवार तेज स्वभाव का लेकिन शुभ परिणाम वाला दिन माना जाता है और रविवार का दिन पद प्रतिष्ठा के लिए और उच्च पद प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस दिन वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए प्रयास मत करिए, क्योंकि ये दिन सेपरेटिव स्वभाव का है। पश्चिम दिशा की तरफ रविवार के दिन यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ नहीं होंगे।
तो याद रखिए, शनिवार के दिन आपको लोहा लेना नहीं है और बेचना नहीं है, लेकिन नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आप लंबे समय तक उस नौकरी में बने रहेंगे। और जहां तक बात है रविवार की, तो आपको बस ध्यान रखना है और संयम बरतना है। अब समय हो गया है आपके सवाल लेने का। पंडित जी आज किसका सवाल ले रहे हैं और क्या समाधान है ये जानते हैं। नरेंद्र सिंह जी ने गुरुग्राम से हमें मेल लिखा है, अपने पुत्र ऋषित के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 24 दिसंबर 2016, जन्म का समय है 7:20 प्रातः और बेटे का जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि बेटे का स्वभाव जो है वो जिद्दी और गुस्सैल है, क्या बेटा ऐसा ही रहेगा? बेटा आगे चल करके किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ जाएगा? और बेटे का भविष्य कैसा है? देखिए, आपके बेटे की कुल उम्र अभी 5 साल हुई है और किसी भी बच्चे के जन्म से लेके 8 साल तक ज़्यादातर उसकी कुंडली पर चंद्रमा का प्रभाव होता है और चंद्रमा आपके बेटे का कमजोर दिख रहा है। धनु लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है तुला। इनकी राहु की महादशा 2028 तक चल रही है, यानी जब तक ये 12 साल के नहीं हो जाते तब तक इनके स्वभाव में और इनकी आदतों में सुधार की संभावना थोड़ी कम है। इनको बेहतर करने के लिए दो उपाय करें। पहला उपाय ये है कि माता पिता में से कोई भी इनके लिए सुबह शाम ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और अपने बच्चे के लिए सप्ताह में एक दिन या दो दिन पंचामृत बनाएं, भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और वो पंचामृत इनको ग्रहण करने के लिए दें। ऐसा करने से आपके बेटे के स्वभाव में सुधार होगा, लेकिन पूरी तरह से जीवन में जो उन्नति है, जो तरक्की है, वो उम्र के 12 वर्ष के बाद ही दिखाई दे रही है। तो राहत ये है कि 12 वर्ष के बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और अभी भी उपाय जो है, अगर आप उसे अपनाएं तो अभी भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। अगर आप भी हमसे कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस समय आपके करियर में बदलाव हो सकता है। परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी ऐसी संभावना भी दिख रही है और आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ आपको मिलेगा, व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो ये तो था मकर, कुंभ और मीन राशि का मंगलवार का राशिफल। अब जिनका जन्मदिन 15 फरवरी को ही है उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला साल, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 15 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको हर तरह की सफलताएं प्राप्त होंगी। धन की स्थिति में और कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। आपके करियर में इस समय लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी होने की संभावना भी दिख रही है। क्या करना चाहिए?
पूरे साल भर माँ लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, अगर शादी करना चाह रहे हैं तो शादी कर लीजिए, ओवरऑल आपका वर्ष जो है अच्छा ही रहेगा। अब समय हो गया है आज का महा उपाय जानने का। क्या है आज का महा उपाय, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाए नौकरी में, और बहुत प्रयास करने के बावजूद नौकरी में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 108 बार ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय इस मंत्र का जप करिए, और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों में लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपका स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा। महा उपाय बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।